दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने को लेकर सियासी घमासान जारी है। केजरीवाल विरोधियों के निशाने पर है तो वहीं बीजेपी के आरोप भी लग रहे हैं कि उन्होंने आवास के सौंदर्यकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर खर्च की गई राशि 171 करोड़ रुपए की थी, न कि 45 करोड़ रुपए। वही आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने केजरीवाल पर कई खुलासे भी किए, देखे इस वीडियो में। दुख की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने एफिडेविट दिया कि वो आम आदमी की तरह सारी जिंदगी रहेगा, आम आदमी की तरह दिल्ली का मुख्यमंत्री रहेगा, उसके द्वारा भ्रष्टाचार के, उसकी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार के, और जिस स्टाइल ऑफ लिविंग को उन्होंने अपनाया है, अपने मकान को बना करके उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली की अगर सिंप्लिसिटी की, सादगी की अगर कोई मिसाल अगर हम कहेंगे तो उसका नाम श्रीमती शीला दीक्षित। कोई भी व्यक्ति श्रीमती शीला दीक्षित जी से अगर उनके घर पे निवास स्थान में जाकर के अगर मिलता था तो उसको सबसे पहले सादगी का एहसास होता था। और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने महल को बनाने में, सजाने में जितना पैसा खर्च कर दिया, श्रीमती शीला दीक्षित जी की पूरी कैबिनेट 15 साल के अंदर मिलाकर के उतना पैसा खर्च नहीं किया होगा, उसका आधा भी नहीं किया होगा, उसका दसवां हिस्सा भी नहीं किया होगा जितना केजरीवाल जी ने 2 साल में खर्च अपने महल पे कर दिया। आज मैं नए खुलासे के साथ में आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को कुछ बताना चाहता हूं। ये मात्र 45 करोड़ का खर्चा नहीं है, केजरीवाल जी के महल पे मात्र 45 करोड़ नहीं खर्च हुए, केजरीवाल जी के महल पे 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 171 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा कोविड के समय में, ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, हॉस्पिटल्स को तरस रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स को तरस रहे थे, गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे, 171 करोड़ का खर्चा केजरीवाल जी के महल पे हुआ है, 45 करोड़ नहीं।